फाइनली हमने अपनी लाइफ का फर्स्ट ड्रीम कैमरा और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव ले लिया है, जो है ये सोनी का कैमरा है, सोनी का आल्फा। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज डी और आप देख रहे हैं डी व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे मेरे तरह। तो फाइनली काफ़ी दिनों बाद, मतलब 6 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसके बाद वाले वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा उसी दिन का ये सेकंड पार्ट है। तो एक दिन में टाइम मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करने का ट्राई किया है। छोटा सा रखूँगा और ज़्यादा क्विक रखूँगा, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले। तो फाइनली हमने अपनी लाइफ का फर्स्ट ड्रीम कैमरा और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव ले लिया है। तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से टीचर? जो है ये सोनी का कैमरा है, सोनी का अल्फा सीरीज, और यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग वगैरह और ये कैमरा। तो ये है सोनी ZV-E10, काफ़ी अच्छा और मोटो व्लॉगिंग जिनको करना, मतलब व्लॉगिंग करना है उनके लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ में मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम चेकअप नहीं किया या फ़ोटोज़ नहीं चेकआउट की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। उसके ऊपर भी मैं काफ़ी अच्छे कंटेंट डालता रहता हूँ कभी ना कभी, यूट्यूब से तो ज़्यादा ही डालता हूँ। तो ये है अपना कैमरा और उसके साथ मैंने एक लेंस भी दिया है, ये है सोनी का अल्फा 50mm 1.8F। तो ये भी काफ़ी अच्छा और लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जल्दी से अनबॉक्स करते, सबसे पहले लेंस दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर कैमरा। वैसे तो जो अपना कैमरा है उसके साथ भी किट लेंस आया है, पर फिर भी ये लो लाइट के लिए काफ़ी अच्छा है तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। तो बस ऐसा, ये बॉक्स अंदर ये लेंस है और बबल रैप में काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, और यहाँ पे वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, तो उन सबको मैंने दिखाऊंगा। तो इसके साथ अपने को लेंस कवर या लेंस कैप जो भी बोलते हैं ये मिलता है उसके साथ ही, और इसके ऊपर सोनी वगैरह की ब्रांडिंग है और मार्किंग भी है कैसे इस पर माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे माउंट देख सकते हो, रेड मार्क है तो ऐसा कुछ है। और ये इतना सा छोटा सा प्यारा सा कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का सोनी का लेंस 11mm 1.8 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैंने इसके साथ ही ले लिया। और दोनों को, दोनों मिला के हमें कितने में पड़ा है, कैसे लिया, वो सब लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखना। तो अभी इसको साइड में रखते हो और अभी दिखाता हूँ कैमरा। तो सबसे पहले हमें मिलता है वारंटी कार्ड और सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसको रखते हैं साइड में, और मेन चीज़ जो है उसी को दिखाता हूँ। यूज़ कर रहा था इसलिए अनबॉक्सिंग तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, पर और उसके साथ हमें कैमरा को साइड में रखते हैं। ये हमें डेड कैट भी साथ में मिलती है कैमरे के, ये वाली, ताकि इनबिल्ड जो माइक आता है कैमरे में उसके लिए है ये। फिर हमें मिलता है ये चार्जिंग डॉक और उसका वायर और उसके साथ टाइप सी केबल। तो सब कुछ अपने को बॉक्स के अंदर ही मिलता है। हाँ, टाइप सी से चार्ज होता है, तो अगर आप टाइप सी मोबाइल यूज़ करते हो तो उससे भी चार्ज कर सकते हो, पर इससे आई थिंक ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है मुझे जहाँ तक पता है। और कुछ तो अंदर है नहीं बॉक्स के अंदर, तो अभी हाँ स्ट्रैप, तो ये पतला सा स्ट्रैप भी साथ में आता है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब काफ़ी छोटा है, देख सकते हो एक हाथ में मतलब पूरा आ जाता है। आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ वरना दिखा था, ये अपना वीवो का है, तो देखो साइड बाई साइड कितना छोटा है, अपने फ़ोन से भी काफ़ी छोटा है। और ये मिरर लेस कैमरा है और ये उसका किट लेंस है, थोड़ा सा जूम होता है, मतलब जूम मतलब बोले तो डिजिटल जूम होता है, वैसे वाला जूम नहीं है जो हम लेंस से करते हैं। और पीछे अपना नाम लिखवा दिया है हमने। तो इसमें डेडिकेटेड माइक स्लॉट, फिर USB-C, फिर HDMI और ऑडियो मॉनिटर, सब कुछ, मतलब सारे जैक हैं, सारे जो सेंसर्स वगैरह सब कुछ मिलता है हमें।
यहाँ पे बैटरी और उसके साथ सोनी का 64 GB का मेमोरी कार्ड भी हमें साथ में मिला था। और यहाँ पे है ऊपर माइक्रोफोन और हॉट शू माउंट मैग्नेटिक, अगर सोनी का माइक यूज़ कर रहे करते हो आप तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा अपने कैमरे के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके साथ हमें मिलती है फ्लिप स्क्रीन, और वो आगे भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ अपना कैमरा है, काफ़ी अच्छा, छोटा सा और प्रीमियम है। और काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा, इससे पहले मैंने सोचा था कि कैनन का M50 Mark II लूँ, पर फिर इसके रिव्यूज़ देखे तो उससे तो मच बेटर है। और उसमें इसमें हमें प्रोडक्ट शोकेस मोड मिलता है, जो हम कुछ भी चीज़ें हम लेते हैं, जैसे कि ये ही कैमरा मैं दिखा रहा हूँ, तो फ़ोन में ऐसा ऑटो फोकस नहीं होता है, अपने फेस पे ज़्यादा फोकस रखता है। अगर मैं ये प्रोडक्ट आगे करूँगा इसके अंदर, इससे अगर मैं शूट करता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट इसके आगे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट पे फोकस ले लेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और काफ़ी सारे मोड्स भी मिलते हैं ऊपर, तो ये फर्स्ट कैमरा इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे सीखेंगे आप लोगों को बताएंगे। अगर आप देखना चाहते हो ज़्यादा डिटेल में तो का यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना सोनी ZV-10 रिव्यू वगैरह, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, इस वजह से ये लिया। और कैनन को हमने कैंसिल किया, पर काफ़ी महंगा है, मतलब काफ़ी महंगा, कैनन के कैमरे से काफ़ी महंगा, और लेंस भी काफ़ी महंगा है। तो अभी लेंस का प्राइस बता देता हूँ, ये जो लेंस है ये 22,000 का है, 22,000 का दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे, पॉज करके देख लेना 22,000। और कैमरा अपना है, भूल गया मैं, 69,000-70,000, मतलब 80-90,000 का, 90,000 का पूरा सेटअप है अपना, 90,000 का, सोच सकते हो कितना महंगा है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर हाँ सोनी के साथ क्या है कि आप 5-6 साल तक अगर अपग्रेड नहीं करते तो भी चलेगा, 4K में 30 FPS तक शूट करते हैं मैक्सिमम, तो बस इतना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सीख रहे धीरे धीरे कैसे वीडियो वगैरह शूट करते हैं, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट कैमरा है, मतलब मेरे पूरे घर में किसी के पास कैमरा नहीं है, मैंने फर्स्ट कैमरा लिया है घर में, ये फर्स्ट कैमरा है, किसी के पास भी नहीं है। तो देखते हैं इसका कैसा रिव्यू वगैरह रहता है। इसका टेम्पर ग्लास वगैरह मैंने मंगवाया है, और हाँ पीछे देख सकते हो अमेज़न के काफ़ी सारे पार्सल पड़े, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसका यूवी फिल्टर नहीं, एनडी फिल्टर मैंने मंगवाया, क्योंकि लेंस अगर ख़राब हुआ तो काफ़ी महंगा है इस वजह से। और हाँ ये मैंने लिया है EMI पे, बजाज के कार्ड पे, तो समथिंग 5,000 के आसपास EMI आती है, और थोड़ा सा DP पड़ा था मैंने, तो वो अभी याद नहीं है मुझे, पर अगर आप नो कॉस्ट EMI भी करवाना चाहते हो तो हो जाएगा, 8 हफ्ते या 12 हफ्ते ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, मेरा 12 हफ्ता वाला है, 12 EMI आएंगी इसकी, तो अभी 12 महीने के लिए ये अपना उधारी पे है। तो बस इतना ही था, आई होप कि आप लोगों, हाँ इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस जो अभी आप वीडियो फुटेज और क्वालिटी देख रहे हो वो अपने सोनी ZV-E10 किट लेंस के साथ है, तो काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आ रही है, अभी पीछे लाइट चल रही है और इंडोर शूट कर रहा हूँ, और जो भी ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो भी इनबिल्ट माइक से आ रही है, और ऊपर पंखा भी चालू है। तो कैसी क्लियरिटी आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और दिखा देता हूँ आपको कैमरा। तो ये है अपना iPhone 13 और ये है अपना सोनी ZV-E10, तो इससे शूट हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पीछे जो सामान है अपना वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। काफ़ी सारी एसेसरीज मंगवाई है मैंने, बाइक की भी मंगवाई है और कैमरा की, तो दोनों की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ डी व्लॉग्स, बाय।